शासन लेवल टू में आपका स्वागत है। उम्मीद है लेवल वन को आप अच्छी तरह समझ पाए हैं और आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। जब तक आप उसको ना समझ पाए प्लीज लेवल टू पे ना आए, वरना चोट लगने का खतरा हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि मैं दीवार के करीब हूँ, मैंने मैट लगा के रखा है, दीवार के सहारे करेंगे और देखेंगे कि हम लोगों ने कितने हद तक रेजिस्टेंस को डेवलप किया है या शरीर के उन हिस्सों को समझ पा रहे हैं जिसका कि शीर्षासन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले इस तरह से बैठेंगे, बेसिकली हम देखें कि दीवार से हमारा डिस्टेंस कितना है, रोल ओवर करके अगर आप देखेंगे तो मैं दीवार के काफी करीब हूं, फिर भी पैर के लगभग डिस्टेंस होना चाहिए इसलिए मैंने डिस्टेंस लिया। बट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं। मैंने हाथों को फोल्ड किया, अब जो मेरी जो कोहनियां हैं उसको मेरी उंगलियां, दूसरे हाथ की उंगलियां टच कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी साइड में भी कोहनियों को मैंने जमीन पे गाड़ दिया, अब ये मूव नहीं करेगा, ये लॉक हो गया। हाथों को खोला मैंने, फिंगर्स को इंटरलेस किया, हमारा जो फिंगर्स का टिप्स है यहाँ पे लॉक किया, एज को जमीन पे लगाया, ये गिरना नहीं चाहिए इस तरह से। हमारा जो क्राउन है ये एरिया वो जमीन पे जाएगा, घुटने जमीन के ऊपर जाएंगे, शरीर को यानी कि अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, दाहिना पैर दीवार पे, जैसे आपका दाहिना टो दीवार को टच करेगा उसको पुश कीजिए दीवार पे, जिससे कि आपका कूल्हा पीछे की तरफ आ जाए और बायां पैर ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाए। कुछ 90 डिग्री पे रुकेंगे, अगर आप देखेंगे तो मेरा कूल्हा थोड़ा बाहर की तरफ है। इस पोजिशन पहले आप इस पोजिशन को समझने की कोशिश कीजिए, इससे ही आपको काफी बेनिफिट्स हो जाएंगे। एक बार आपको लगे कि आप कंफर्टेबल है इसमें, आप दाहिने पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, खींचते हुए ऊपर की तरफ, ये रहा, यहां होल्ड करके रखेंगे, लॉक, पूरे शरीर को आपने लॉक करके रखा है। एक बार आप यहां कंफर्टेबल हो जाए फिर आप बाएं पैर के हील को दीवार से दूर ले जाएंगे, ये देखिए ये इस पैर को लॉक रखेंगे, ये दूर ले जाते हुए आप अपने टो पे आ जाएंगे इस तरह से। अब आप पेट को लॉक करते हुए हिप्स को थोड़ा पीछे ले जाते हुए स्लो शरीर को ऊपर की तरफ पुश करते हुए इस तरह से लेके जाएंगे, कूल्हे को टाइट कर देंगे जिससे कि लॉक हो जाए, अपनी कोहनियों को दबाएंगे और अपने शोल्डर्स को ऊपर ले जाएंगे, पेट अंदर की तरफ, शोल्डर्स अप, स्लोली एक पैर को दीवार पे लाएंगे फिर दूसरे पैर को। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दूसरे पैर का मूवमेंट, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दाहिने टो को लॉक करेंगे, अपनी एड़ी को जमीन से दूर ले जाएंगे, जैसे दूर ले जाएंगे आपका जो पेट है वो टाइट होने लग जाएगा बाएं साइड में, अपने शोल्डर्स को ऊपर ले जाएंगे और ये हिप्स को ऊपर इस तरह से, और नीचे आ जाएंगे। इसके दौरान धैर्य रखना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है आपके शरीर के साथ, आपके जो ये एरियाज हैं काफी अच्छे से एंगेज हो जाएंगे। और एक बार आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे एंगेज करते हैं फिर आपके लिए शीर्षासन करना बहुत आसान हो जाएगा। मूव करते हैं हमारे तीसरे लेवल पे।